दरअसल ये वीडियो उस दौरान का है जब रणवीर सिंह ने इंडस्ट्री में अपनी नई नई पहचान बनाई थी और उन्हें चारों तरफ से फैंस का सपोर्ट मिल रहा था। तब वो एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में पहुंचे थे। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर की थी। वहीं इंटरव्यू के बीच में रणवीर को सरप्राइज देते हुए उनकी मां का एक वीडियो भी चलाया गया। इस वीडियो में रणवीर की मां ने अपने बेटे के संघर्ष के दिनों के बारे में बताया। इस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि रणवीर इंटरव्यू पर कैमरे के सामने रो पड़े। रणवीर सिंह की मां ने बताया कि एक वक्त पर रणवीर घर आता था तो बस ये कहता था कि मां आज बहुत खराब दिन था। हालांकि मां होने के नाते मैं उसका चेहरा देखकर समझ जाती थी कि वो बहुत परेशान है। हम सब दुखी ना हों इसलिए उसने हम सबको उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब जब वो सक्सेसफुल हो गया है तब वो हम सबको अपने पुराने दिनों की कहानियां बताता है कि उसे क्या क्या झेलना पड़ा, कैसे कैसे कमेंट सुनने पड़े। उसने हमें अपने सारे दर्दों से दूर रखा। अब उसकी कहानी सुनने पर एहसास होता है कि वो इतनी ऊंचाइयों पर कितने संघर्षों से पहुंचा है। माँ की बात सुनकर रणवीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटरव्यू पर ही फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वहीं उन्हें रोता देख सिमी ग्रेवाल परेशान हो जाती है और उनसे माफी मांगकर उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती नजर आती है। आज रणवीर सिंह इंडस्ट्री में बड़ा नाम है लेकिन उन्होंने ये पहचान सालों के संघर्षों के बाद हासिल की है। बता दें कि रणवीर सिंह ने 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में एंट्री ली थी।